आज मेरा है day 4 इन अगाती एंड मैं जा रही हूँ लोकल कल्चर को और यहाँ के कुछ अनदेखे अनजाने से फैक्ट्स को जानने के लिए। बहुत एक्साइटमेंट है क्योंकि लोकल कल्चर को एक्सप्लोर करना मुझे हमेशा से बहुत पसंद रहा है। तो अभी चलते हैं, उसी के लिए मैंने फुल क्लोथ्स पहने हैं क्योंकि अगर आप सिटी विजिट पे जा रहे हैं तो आपको पूरा मतलब कवर करना होता है। आप शॉर्ट्स ना पहने तो इट विल बी बेटर। अभी चलते हैं, लोगों से बात करते हैं, आपको दिखाती हूँ यहाँ पे क्या क्या अलग अलग सी चीज़ें होती है। आफ्टर ऑल यहाँ का सारा सामान बाहर से आता है और ये एक आइलैंड है, यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ नहीं है। देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या चैलेंजेस हैं, लोग कैसे हैं, कल्चर कैसा है, सारी चीज़ें जानेंगे और एक्सप्लोर करते हैं लोकल कल्चर और ट्रेडिशन। अभी मेरे बैक साइड में जो हाउस है वो बिल्कुल लोकल हाउस है और ये अगाती में मैं अभी हूँ। यहाँ पे इस एक ही घर में 12 मेंबर्स 12 लोग रहते हैं, वो भी 3 जनरेशन के। आज के टाइम पे जहाँ पे सिर्फ 2 लोगों के साथ भी रहना पॉसिबल नहीं होता है, यहाँ पे 12 लोग एक साथ रह रहे हैं वो भी बहुत आराम से, और 3 जनरेशन के लोग एक साथ रह रहे हैं। तो जॉइंट फैमिली का, प्यार का, मोहब्बत का बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। उसके अलावा भी मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे एक और ऐसी चीज़ है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, दैट इज़ द वेडिंग प्रोसीजर, कि यहाँ पे शादी के बाद क्या होता है। नॉर्मली पूरे इंडिया में मैंने आज तक जहाँ पे भी देखा है शादी के बाद होता है कि लड़की जाती है लड़के के घर, बट यहाँ क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। കല്യാണം പെണ്ണിൻ്റെ വീട്ടിലാണ്, ഇവിടുന്ന് പുതിയാപ്പിള്ള അവൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയി പെണ്ണിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി അവിടെയാണ് പിന്നെ കല്യാണം പരിപാടികളൊക്കെ, സദ്യയും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെയാണ്, പിന്നെ രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതും അവിടെയാണ്, റൂമും ബെഡ്റൂമും ഒക്കെ പുതിയാപ്പിള്ളിൻ്റെ റൂമൊക്കെ ഉള്ളത് പെണ്ണിൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ്, എല്ലാം അവർ തന്നെ റെഡിയാക്കും, പിന്നെ സ്ത്രീധനം കൊടുക്കാറില്ല, പിന്നെ കല്യാണത്തിനുള്ള ചിലവുകളൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട്, അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു രീതി. പിന്നെ അവർ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് 2-3 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ പെണ്ണ് പുതിയാപ്പിള്ളേൻ്റെ വീട്ടിൽ വരും, രാവിലെ വന്ന് വൈകുന്നേരം തിരിച്ചു പോകും, പിന്നെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യമാകുമ്പോൾ വീണ്ടും വരും. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു രീതി. തിരിച്ച് നിങ്ങളവിടെ പോലെ ആണിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി നിൽക്കലൊന്നുമില്ല. So, अभी मैंने जो सर पे लगाया हुआ है दैट इज कॉल्ड टट्टम, और यहाँ पे ये लोकल ट्रेडिशन है कि सब लोग इसे हमेशा पहने रहते हैं। आई थिंक इससे एक फायदा जरूर होता है कि आपके बाल जो है वो पॉल्यूशन से फ्री रहेंगे, और जब पॉल्यूशन से फ्री रहेंगे तो जो हेयर है उनकी क्वालिटी अच्छी होगी। यहाँ का लोकल ट्रेडिशन है, मैंने भी ट्राई किया, हालांकि मुझ पर बहुत वियर्ड लग रहा है, आई नो आई ओपन इट, बट हाँ यहाँ के लोगों पर ये बहुत प्यारा लगता है। लक्षद्वीप क्योंकि एक आइलैंड है और यहाँ पर सारी चीज़ें कोची से एक्सपोर्ट होके आती है, तो यहाँ पे अगर आपके पास में व्हीकल है तो बहुत आसान आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है कि आप पेट्रोल ले लें। जिस तरह से राशन कार्ड होता है, जिस तरह से आधार कार्ड होता है, वैसे ही यहाँ पे होता है ये पेट्रोल कार्ड। जी हाँ, यहाँ पे एक बहुत ही यूनिक सी चीज़ मुझे मिली तो मुझे लगा आपके साथ भी मुझे शेयर ज़रूर करनी चाहिए। यहाँ पे पेट्रोल कार्ड होता है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से दिया जाता है, और आपके एक व्हीकल पे आप 10 लीटर से ज़्यादा एक महीने में पेट्रोल नहीं ले सकते, वो भी हाफ ऑफ करके, मतलब इनिशियल जो 15 डेज है उसके लिए आपको 5 लीटर मिलता है और नेक्स्ट के लिए 5 लीटर, इस तरह से 10 लीटर पेट्रोल मिलता है इस पेट्रोल कार्ड के थ्रू, और इस तरह से इसमें एंट्री होती है और इसके बिना आपको पेट्रोल नहीं मिलता है। बाकी इसको बनवाने के लिए क्या क्या लगता है वो भी हम जानेंगे, बट हाँ ये काफ़ी यूनिक सा मुझे लगा। आई एम श्योर आपने भी कभी नहीं सुना होगा कि पेट्रोल कार्ड होता है, बट ये आइलैंड्स पे क्योंकि पेट्रोल उतना ज़्यादा नहीं होता है, डीजल उतना ज़्यादा नहीं होता है, सारे रिसोर्सेज की कमी होती है, तो यूटिलाइज़ करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट जो है हम कह सकते हैं कि एग्जाम्पल यहाँ आके देखने को मिलता है कि कम रिसोर्सेज में भी लाइफ कितनी अच्छी हो सकती है। अभी मैं निकल रही हूँ कल्पित्ती के लिए, जो कि एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा आइलैंड है अगाती से। यहाँ से सिर्फ 20 मिनट का डिस्टेंस है जिसमें ये आपका कवर हो जाता है। वहाँ जाके क्या मिलता है वो हम जाके देखेंगे। फिलहाल शाम के बज गए हैं 4:30 और इवनिंग में मैं निकल रही हूँ, धूप अभी भी बहुत तेज है, आपके साथ में सनग्लासेस होने चाहिए।
पे जो आपको दिखाई दे रहा है ये अगाती है और इस साइड पे जो दिखाई दे रहा है दैट इज कल्पिती। दोनों के बीच में दूर से काफी कम डिस्टेंस दिखाई दे रहा है बट सिर्फ 20 मिनट की राइड है क्योंकि मैं रिजॉर्ट से आई हूँ तो थोड़ा और ज्यादा टाइम लग जाता है। वैसे बिल्कुल पास पास में है, हार्डली 500 मीटर का डिस्टेंस दिखाई देता है और कल्पिती एक बहुत ही छोटा सा आइलैंड है। कल्पिती आइलैंड हम लोग पहुंच चुके हैं, सनसेट अभी हुआ नहीं है, हार्डली 20 मिनट का टाइम मिला और यहाँ पे पहुंच गए हैं। रास्ते में मैंने 3 से 4 टर्टल्स देखे, कोराल देखे और ये रास्ता सच में बहुत 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 ज्यादा ब्यूटीफुल है। अभी अभी मेरे पांव सडनली गर्म हो गए और उसका रीजन है कोराल्स। कोराल्स जहाँ जहाँ पे भी होती है वो पानी को कर देती है गर्म और उसकी वजह से जो पानी नॉर्मली बिल्कुल ठंडा होना चाहिए वो काफ़ी वार्म सा आपको फील होता है और इसीलिए कहा जाता है कोराल्स को बचाओ तभी हमारी प्रकृति बचेगी क्योंकि यही रक्षा करती है आइलैंड्स की, यही प्रोटेक्ट करती है इन आइलैंड्स को। स्टोन लाइक स्टोन मुझे मिला है ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सा शंख जो है ब्लैक एंड व्हाइट। मैंने ऐसा शंख कभी नहीं देखा, ये जिंदा नहीं है, मर चुका है, लेकिन आप यहाँ से कुछ भी नहीं ले जा सकते। CFNs के जवान आपको एयरपोर्ट पे, शिप पे, जहाँ से भी आप जाएंगे आपको पकड़ लेंगे, अलाउ नहीं है। बस देखिए, इंजॉय कीजिए, फोटो क्लिक करवाइए और यहीं पे वापस छोड़ दीजिए। वैसे तो कहा जाता है कि लक्षद्वीप में 100% मुस्लिम है लेकिन यहाँ पे खुदाई में घरों को खोदते वक्त बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली है जिससे ये लगता है कि यहाँ पे कभी ना कभी बौद्ध धर्म के लोग भी रहा करते थे। कुछ ऐसे स्टैचूज मिले हैं, उसके अलावा यहाँ पे अशोक स्तंभ भी मिला है जिससे ये पता चलता है कि ऑफकोर्स यहाँ पे जो शुरुआत हुई थी वो हिंदुओं से ही हुई थी और फिर उसके बाद में धीरे धीरे सारी चीज़ें हुई है। तो फिलहाल मुझे फिर से क्रैब्स दिखे बहुत सारे। So, अभी मैं टेस्ट करने वाली हूँ यहाँ की लोकल, घर की लोकल डिश जिसका नाम है डोसा। ऑफ कोर्स हम सबको पता है लेकिन ये यहाँ का बना हुआ बिल्कुल प्योर वाला डोसा है जो हमें बाहर मिलता है, उसका टेस्ट ऐसा नहीं होता। और उसके साथ चटनी बिल्कुल देसी स्टाइल में। यहाँ की प्लेट जो है वो मुझे थोड़ी सी डीप लग रही है, ये मुझे थोड़ा अलग लगा और इस डीप प्लेट में ये डोसा सर्व किया गया। मैं इसे टेस्ट करती हूँ और बताती हूँ कि ये कैसा है। चटनी का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब इसमें आई थिंक गार्लिक की वजह से इसका जो टेस्ट आ रहा है वो बिल्कुल यूनिक आ रहा है। तो जब घर में आके आप खाते हैं तो आपको जो टेस्ट मिलता है वो बिल्कुल ऑथेंटिक मिलता है और टेस्टी भी होता है, लेकिन बाहर जब हम खाते हैं तो ऑब्वियसली चीज़ें टेस्टी नहीं होती है। यहाँ पर ये बहुत अच्छा है और लोकल लोगों का इसमें प्यार मिला हुआ है तो ऑब्वियसली इसका टेस्ट डबल हो जाएगा। जैसे ही मैं आई मुझे यहाँ पर ऑफर किया और मैं फटाफट से खा रही हूँ। सो अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि लक्षद्वीप में यानी स्पेशली अगाती में किस तरह से सारी चीज़ें मिलती है, क्या प्राइसेस होती है। स्टोर है ये, एक तरह से आप कह सकते हैं कि छोटा सा मार्ट है, हाइपर मार्ट है जहाँ पे अंदर सारी चीज़ें मिलती है। एक साइड पे कपड़े हैं, होम अप्लाइंसेज है, मतलब फैसिलिटी सारी है, चीज़ें सारी अवेलेबल है, लेकिन किस प्राइस पे और किस रीज़न से वो हम अंदर जाके देखते हैं। अभी मैं जिस शॉप में हूँ वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलेगी, बच्चों के कपड़े हो, ड्रेसेस हो, या कुछ ज्वेलरी हो, बेल्ट हो, जो भी तरह की चीज़ें आपको चाहिए यहाँ पे मिल जाएगी। फिलहाल मैंने इसकी प्राइस पूछी और मुझे पता चला ये सिर्फ 30 रुपीज़ में यहाँ पे अवेलेबल है। नॉर्मली जब हम मार्केट से लेते तो इट्स 50 रुपीज़ विच दे आर चार्जिंग एंड यहाँ पे इतनी डिफ़िकल्टीज के साथ हर चीज़ आती है, इतनी दूर से आती है, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट अच्छी खासी इंक्लूड होती है, लोडिंग अनलोडिंग, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो इन्वॉल्व है
उसके बावजूद इसकी प्राइस जो है वो 30 रुपीज़ है। तो यू कैन से कि यहाँ पे आपको बिल्कुल जेन्युइन प्राइस में सारी चीज़ें मिल जाती है। तो यहाँ मेरे पीछे आप साइकिल्स के कलर से आई थिंक पहचान गए होंगे कि ये सारी साइकिल्स गवर्नमेंट ने दी है बच्चों को, जो भी पढ़ने आते हैं गर्ल्स और बॉयज़ उनको यहाँ पे साइकिल प्रोवाइड किए ताकि वो आ जा सके। और फिलहाल मैं अंदर जा रही हूँ गवर्नमेंट स्कूल के और यहाँ जाके फ़ोटोज़ वगैरह दिखाती हूँ, बच्चे जो खेल रहे हैं वो भी दिखाती हूँ। One 180 boys are here and 170 girls. Total we have 351. This institution. We have three more institutions are here. This is SBS. And JBS. What SBS is? Senior Basic School. Senior Basic. And this is Junior Basic School, North. Equal ratio, 96-96. Ah yes, boys. We have 192. बात करें अगर एजुकेशन सिस्टम की तो यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी यानी 12th तक के स्कूल्स हैं और वो भी CBSE बोर्ड एंड केरला बोर्ड दोनों के। और मैंने सबसे अच्छी बात जो यहाँ पे देखी कि लड़कियाँ भी इक्वल रेशियो मुझे लगा, मतलब जितनी बेंचेस मुझे लड़कों की दिख रही है उतनी ही लड़कियों की भी दिख रही है। तो जो गर्ल्स एजुकेशन वाली बात आती है वो यहाँ पे सच में काफ़ी अच्छा लगा देख के, हिजाब पहन के लड़कियाँ मस्त पढ़ाई वढ़ाई कर रही हैं, सो इट्स रियली नाइस। बाकी ये स्कूल काफ़ी अच्छा मुझे लगा, इसका प्रीमाइस किसी प्राइवेट स्कूल के कैंपस से कम नहीं है। इनफैक्ट मेरे स्कूल का भी कैंपस उतना अच्छा नहीं था, लेकिन यहाँ का कैंपस काफ़ी अच्छा है। बच्चे बाहर खेल रहे हैं, कुछ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ और कर रहे हैं, और सब तरह की फैसिलिटीज़ यहाँ पर दी हुई है। बात करते हैं आयरलैंड्स पे पानी कहाँ से आता है, यानी जो ड्रिंकिंग वाटर है वो कहाँ से आता है। मेरे बैक साइड में ये पूरा जो दिख रहा है वाटर डिसोल्यूशन आप कह सकते हैं, पूरा प्रोसेस होता है, सी वाटर को प्यूरीफाई करके उसे ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट किया जाता है और फिर उसे पिया जाता है। उसके अलावा जो नेक्स्ट सोर्स है यहाँ पे दैट इज़ जो अंडर वाटर होता है, मतलब वेल वाला जो वाटर होता है उससे यहाँ पे पानी की सप्लाई की जाती है। यानी कि दो सोर्स है, जो अंदर से आता है ज़मीन से और दूसरा ये डिसोल्यूशन सिस्टम के थ्रू सी वाटर को कन्वर्ट करके यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर बनाया जाता है। कोकोनट एंड ग्रीन चिली, ओके, राइस एंड दैट्स करी, वेजिटेबल करी, पच्चा करी। मैं आई हूँ अभी छोटे से प्यारे से घर में कुछ लोकल डिश ट्राई करने, और यहाँ पे जो चीजें अवेलेबल है उसमें है राइस, करी है, जो जितनी भी वेजिटेबल्स अवेलेबल होती है उन सबको मिक्स करके बना दी जाती है, और उसके अलावा है एक कोकोनट मिल्क जिसमें ग्रीन चिली है। और ये मुझे सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग लग रहा है क्योंकि मैंने ये नहीं खाया। राइस और करी तो ठीक है, बहुत बार ट्राई किए, तो मैं ट्राई करने वाली हूँ ये कोकोनट मिल्क के साथ में राइस, और आपको बताती हूँ टेस्ट कैसा है। इट्स एंटायरली डिफरेंट, आपको लगेगा कि कोकोनट मिल्क जो है उसकी वजह से शायद मीठापन हो, बट ये अच्छा खासा स्पाइसी वाला है, और इसको खा के आपको लगेगा कि हाँ कुछ करंट मिला है, काफ़ी अच्छा है।